ये जो केस है ना, इसमें फोन है नोकिया का, फोन है मॉडल कौन सा है? नोकिया 3 ओल्ड मॉडल। इसमें मसला ये आ रहा है, चार्ज पे लगाते हैं, ये कह रहा है कि भाई चार्जर अटका हुआ था, ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह कुछ कह रहा है। अभी तो वाइब्रेट हो रहा है, आन भी नहीं, डिस्प्ले शो भी नहीं कर रहा, और ये कह रहे कि आप मोड में चार्ज ले रहे हैं, आन मोड में ये कह रहे हैं। तो देखो चार्जिंग सेक्शन हमारा हो गया खत्म। उससे पहले हमने बैटरी टर्मिनल को समझा, और चार्जिंग का मसला है या तो रिलेटेड होगा बैटरी टर्मिनल के, या रिलेटेड होगा चार्जिंग के लाइनों से, तो वो सारे हमने आपको बता दिए। अभी देखो चार्ज पे लगा लिया, ये ऑन हो जाए उसके बाद देखते हैं। देखो ये फ़ोन जो है ना ओल्ड मॉडल है, और कंडीशन इसकी इस तरह है ना कि बैटरी टर्मिनल भी नहीं है, और बैटरी का जो स्ट्रिप है वो भी। तो अभी किसी भी शॉप पे जाए, वो थोड़ा सा अच्छा कारीगर होगा तो वो इसको लेगा नहीं, और जो लोकल कारीगर होगा वो इसका इस तरह ही कबाड़ा करेगा। तो कस्टमर बेचारा कहाँ पे जाए? जब भी आप यहाँ से जाओ ना, कोई आपके पास आए कि दूर से आया हो, ये मोबाइल ले गया हो, आपका नाम किसी ने दिया, इसका मतलब उसका आखिरी सहारा आप ही हो। उसको लोगों ने बहुत तंग किया है, परेशान किया है। अभी वो निकाले कि पैड फोन आपके पास काम भी ज़्यादा है, कि पैड फोन का आप उससे 200-300 भी ले सकते हो, आगे में 1500-2000, लेकिन वो एक उम्मीद लेके आपके पास आए, तो कोशिश कर लिया करो उससे फोन लिया करो। सेम केस यही है, जो हमारे स्टूडेंट के पास आया है ना, तो शायद उसका आखिरी सहारा हमारा स्टूडेंट ही। तो अभी अगर ये करे कि यार इसको मैंने इतना कोर्स किया, डिप्लोमा लिया, ये मैं इसमें काम करूँ पहले से, देखो तो उस बेचारे का दिल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पैसे के अलावा कस्टमर को भी देखना है। वार्निंग देख लिया, दोबारा देखो। हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में अगर ये दिखाए तो। हाँ जी देखते हैं। हाँ जी, ये लिख रहे हैं जेन्युइन। हाँ पढ़ो, जेन्युइन इसमें वैसे दिखाओ, एरर दिखाओ, ये क्या कह रहे हैं, जेन्युइन बैटरी, और पूरा पढ़ो। हाँ जी, जेन्युइन बैटरी रिकमेंडेड। हाँ, अप्रूव्ड बैटरीज में केस अनएक्सपेक्टेड खतरा है यहाँ पे। हाँ, जिसने भागना है भाग सकते हो, खतरा है भाई। अच्छा, तो ये अभी ये एरर दे रहा है, यही एरर दे रहा है। तो इस एरर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हमारे सर्किट में जो है ना, मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? हाँ और किसी ने इसमें कितना काम किया, देखो कुछ भी नहीं सुना। उसके बाद प्रोग्रामिंग कुछ भी बाकी नहीं है। तो चलो, अभी कस्टमर बेचारे का इसमें क्या कसूर है, जो भी किया है तो वो लोकल कारीगरों ने किया है। फोन को हमने रिपेयर करना है, किस तरह रिपेयर करना है, देखो अभी इसका बैटरी का सर्किट भी नहीं है। दूसरा बैटरी अगर मंगवाए लगाए तो कहाँ पे लगाए, अपना बैटरी रिपेयर करे तो कैसे करे, कैसे है ना सही। अभी ये एरर पहली बार देख रहे हैं ना, इसे पहले मसला नहीं किया, हाँ जी नहीं किया। तो चलो ये एरर देखते अभी। हाँ, इस एरर का एक तस्वीर जी हमको चाहिए मुझे। आगे ग्रुप में सेंड करेगा, काम आएगा या थंबनेल के लिए। अभी देखो इसको हमने रिपेयर करना है, तो चार्जिंग तो विवस लाइन का भी मसला हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग आ रहे हैं तो तभी क्या रहे एरर है।
अभी देखो चार्जिंग जेक के चार्जिंग सेक्शन के सारे लाइन आपके जहन में आ गए, अभी आपको मसला हल करने के बता रहे, कोई अजीब सा मसला आ गया। हम उसमें सोचेंगे कि इसमें विवश लाइन से क्या मसला हो सकता है, विवश लाइन अगर चार्ज आउट नहीं करता तो एरर शो हो जाएगा, सही है। इसमें हमारे आईसीसी भी मसला नहीं हो सकते, क्योंकि आईसी अगर काम नहीं करते तो एरर शो। इसमें मसला अगर हमारे देखा जाए कि बैटरी से है, बैटरी से तो हो सकता है, ये भी कह रहे हैं कि बैटरी क्या कर लो चेंज कर लो। अगर मसला बैटरी टर्मिनल का कहे तो हम कैसा देखें, चलो ओके। इंडिकेट अगर शो न करता या स्टोरेज वगैरह उसका मसला तो चार्जिंग की तरफ जाते हैं। अभी इस केस में डीपीडीएम की तरफ भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि पास चार्जिंग वगैरह और ये भी मसला नहीं है। इसमें हम काम स्टार्ट करेंगे बैटरी टर्मिनल से और बैटरी से, तो बैटरी टर्मिनल का भी ये हाल है और बैटरी का भी। तो हम इसका डायग्राम ओपन करेंगे, डायग्राम से थोड़ा सा समझेंगे जी, हम डायग्राम ओपन करो इसका। देखो इन्होंने तीन जम्पर लगाए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन्होंने लगाए हैं तीन जम्पर। एक जम्पर इन्होंने यहाँ पे लगाया था जो मेरे हाथ से निकल गए, यहाँ पे वापस मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। इस रजिस्टर से इन्होंने एक जम्पर लगाया, जो मैंने पकड़ लिया तो वो पकड़ने से ही हाथ में आ गया। यहाँ एक यहाँ से लगाया है, एक को इन्होंने ग्राउंड कर लिया है, देख रहे हो, और ये हो गया हमारा प्लस वाला, इसको भी सेव करना पड़ेगा क्योंकि प्लस नाइन है और देख रहे हो, इसलिए तो ये कह रहा है कि फायर होने का खतरा है। ये थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि एक जंपर निकल गया था ना, किसी के जहन में आ सकता है, हो सकता है इस जंपर से हो। देखो अभी भी सेम एरर है, सेम एरर है, देख रहे हो जी सर। वो जंपर, इन्होंने तीन जंपर लगाए, थोड़ा सा हमें इसके सर्किट को समझना होगा। देखो मैं आपको समझा, इसकी इन्होंने दी है बैटरी टर्मिनल, पर्दे वाले ने इसका बैटरी टर्मिनल दिया है हमारे आसानी। ये हो गया इसके बैटरी टर्मिनल, इसमें ये वाली लाइन आपस में क्या है कनेक्ट होते हैं। इस साइड वाला प्लस होगा तो इस वाला हमारा माइनस, ये वाला माइनस तो ये प्लस हो गए। इसके बाद देखा जाए तो टर्मिनल के मुख्तलिफ आपको डिजाइन लिखे गए थे, 16-14 जितने भी थे वो सारे लिखे गए थे। अभी इन्होंने ये लिखा है कि ये हमारा एक क्या है लाइन लगा हुआ है, जिसका थोड़ा सा नीचे करो तो इन्होंने नाम लिखा है बैट ऑन, और बैट ऑन हमारा कौन सा लाइन होगा, ये साइड टू भी बैट होगा। अच्छा वीबेट इन्होंने लगाया है, वीबेट में कोई और कंपोनेंट डिवाइडर वगैरह बनता है क्या, सिंपल से लाइन है, ये इन्होंने दिया है, इसको ग्राउंड कर लिया है तो सही है, ग्राउंड कर लिया है। अभी ये लाइन जो है ना, ये इन्होंने लिखा है कि है बेट ऑन, और बेट ऑन हमारा कौन सा लाइन होता है, और नाम एनटीसी हो गया, हाँ बहुत सारे आगे जो नाम है वो सारे आपको लिखवा दें, कौन-कौन से नामों से लेटेस्ट मॉडल में आ सकता है। इसमें इन्होंने दे रखा है एक टीवीएस, देख रहे हो, ये बैटरी है, उसके बाद एक रेजिस्टर दिया है सीरीज में, दिया है सीरीज में, ये 100 के का भी हो सकता है, 39 33 10 वगैरह सारे आपको बता दिए कितने कितने वैल्यू का हो सकता है। दूसरा लाइन कहाँ से टच होना चाहिए, जाओ देखो डायरेक्ट आईसी से होना चाहिए कि नहीं, और बैटरी लगेगा तो वोल्टेज इसकी क्या हो जाएगी, ये हो गया हमारा पीएस। ये अभी एक रजिस्टर सीरीज में लग गया है और एक बैटरी के अंदर, बैटरी होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, बैटरी के बगैर 1.8 से 2.8 और बैटरी लगेगा तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ये तो क्लियर है। ये वाला लाइन क्या है, ऊपर पर इन्होंने लिखा है एनसी, इसको लिखा गया है एनसी, वाकई एनसी है कि नहीं है, इसको अभी हम जाएंगे इसके स्कीमेटिक्स। देखो अभी हमारा डाउट कहाँ पे आता है, तीन जंपर देखो ने सही लगाई है, इस रजिस्टर पे एक लगाया है, देखो जो थर्मल वाला है इस रजिस्टर पे इन्होंने लगाया है ये, और इस छोटा जो रजिस्टर लगा हुआ है ना इसी पे लगाया है, और उसके पास ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये सारे कंपोनेंट्स वहां पे है, नजर आ रहे हो आप, थोड़ा सा लाइटिंग कम कर लें, आ रहे। अभी ये जंपर तो सही लगा है, प्लस वाला भी सही लगा है, माइनस भी सही लगा है। अभी हमने पढ़ा था
कि हमारी जो है ना थर्मल लाइन वो तो बोर्ड में हो सकता है, आईडी लाइन बोर्ड में ले हो सकता है, सही है। थर्मल वाला तो बोर्ड में हमने पढ़ा था कहा गया कि किस तरह हो सकता है, याद आ गया समझ? यस सर। अभी आईडी लाइन किसमें कहा गया? अच्छा ये हो गया हमारा, ये तो अभी इसमें या तो इनका गलती है, ये बेल्ट ऑन नहीं है, ये हमारा क्या है आईडी है, थर्मल नीचे बेल्ट ऑन मानते हो गए, लेकिन ये अगर आईडी है तो हम इसको नहीं मानते कि ये क्या है बंदी वाला, हम पे पर्चा न कर केस न कर पाए हम। चलो हर एक सेक्शन में हमने आपको बताया ना कहाँ पे क्या है इनकी, लेकिन बेकार चीज नहीं है, बंदियों के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, सही है। और ये अगर हमसे कांटेक्ट करे तो हम इसको बता सकते हैं किस तरह आपने इसको मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पे आपके गलतियाँ है बता सकते हैं। अच्छा बुलाएंगे इंशाल्लाह उनको भी। अच्छा तो ये हो गया, ये तीन जंपर तो सही है, चलो हम मानते हैं। अभी इसके हम जाएंगे स्केमेटिक्स में, इसको कॉपी करके देखेंगे, लेकिन मसला ये कि इनका स्केमेटिक्स ही नहीं है, क्या करें? और मॉडल है, छोटा सा मसला है, इतना हम क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप समझो, अगर लेटेस्ट फोन में इस तरह मसले आपको मिलेंगे, लोगों ने उसको क्या कर लिया, इधर से उधर किया, इसमें इसको माइनस कर लो, ये हार्डवेयर को वापस कर लो, डबल क्लिक करके माइनस करो, नहीं नहीं यहाँ से आगे हमें पता चले कि इसमें क्या क्या चीज़ें। देखिए इसमें बिल्ड मैप है, डायोड वैल्यू है और वोल्टेज है, इसमें स्कीमेटिक्स नहीं है, तो चलो डायोड वैल्यू खोल लो। इसमें कनेक्टर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल कि कनेक्टर पे हमें कितना कितना जीआर मिलेगा, तो उसी से हमें अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे कितना जीआर, अगर यहाँ पे जीआर है तो मतलब ये हमारा लाइन है, ओके, तो फिर भी देख सकते हैं। इसमें इन्होंने मीटर दिया है, कौन से मीटर से हम देखेंगे, तो हम हमारे ये मीटर जो है ना वो शाबे सनशाइन से ज्यादा मिलता जुलता है, तो सनशाइन वाला ओपन कर लो। मुख्तलिफ आई मीटर से इन्होंने जीआर लेके यहाँ पे ऐड करके रखा है, चलो जूम कर लो बेटरी टर्मिनल। इसमें लिखा है, हाँ जी कि ये वाला प्लस है, प्लस पे 460 तो सही है, 300 से 600 के बीच में है, और इस पे आ रहा है 731, तो हमारा आईडी लाइन अगर ये है तो आईडी पे 731 और थर्मल पे 1000 के आस पास आता है, सही है, याद है ना? जी सर। तो जी हाँ, तो ये है, लेकिन नाम क्या लिखा है, बैड, तो हो सकता है कि इधर भी, और इस लाइन पे क्या लिखा है, ओएल, तो चलो ये तो ऑयल है। अभी बोर्ड में अगर हम देखें इसको थोड़ा सा, अगर हम क्लीन करेंगे ना बोर्ड में अपने पीसीबी में, चलो इनसे हमें कोई पता नहीं चला, अगर अपने पीसीबी को साथ ले कैमरा ऑन करके कर लो, देखो जिस तरफ से चेक इन कर रहे हैं इनके साथ क्या, और ब्रश पे तो इनर और तो हो गया ब्रश, इसमें से भी कर, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा वॉश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ टीपी वगैरह हमें मिल जाए कि इसमें अभी हमें काम करना है, तो प्लस माइनस में से एक को हमें निकालना है, सही है, ताकि शॉर्टेज वगैरह का खतरा ऑलरेडी ये क्या है, क्या है भाई खतरा है फायर होने का, हाँ ब्लास्ट होने का खतरा है। यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, ये पॉइंट तो नहीं है, लेकिन पॉइंट के साथ यहाँ पे गोल दायरा है, इसको हम थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, अभी देखते हैं अभी जीआर एक रिपल मोड पे, एक पर आपको मैंने ग्राउंड कर लिया, दूसरा जीआर पे, और ये कह रहे हैं जीआर नहीं है, जीआर है तो लाइन हमारा है, जिसने भी लगाया ना हार्डवेयर वापस कर लो, जिसने भी लगाया है उसने शायद दूसरा हार्डवेयर वाला इनका लेकर, शायद उसने इसको देख के क्या किया है, यहाँ पे जंपर की है और ये तीन जंपर की है, बाकी एक जंपर उसने स्किप कर लिया। अभी यहाँ पे जो जीआर है कितना जीआर है, 1100। अभी थर्मल लाइन भी तो हमारा वैल्यू क्या, आईडी भी हो सकते है, इस तरह नहीं कह सकते, तो चलो अभी तो इतना हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा लाइन है और ये कनेक्ट होना चाहिए, जिसने भी स्क्रिप्ट किया है हार्डवेयर सोल्यूशन को सामने रख के किया है। अभी हमें मालूम करना है कि ये कौन सा लाइन है और ये कौन सा लाइन, इसके लिए हम इसके बैटरी को गूगल में डाल लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल में लगे हुए। देखो हर जगह हम आईसी से मालूम नहीं करते, किसी जगह हम उल्ट मसला मालूम करते हैं बैटरी से, हाँ वो सर्च कर लो जी, हम
ये मॉडल है, मॉडल लिख है HP 300 किसी जगह हम यूनिट से मसला मालूम करेंगे। यहाँ पे अभी हम मसला मालूम कर रहे हैं बैटरी से, बैटरी का मॉडल लेकर कौन कौन से मॉडल मिलेंगे, क्योंकि इसका तो उसका मेडिस नहीं है वो, और इसके हार्डवेयर सोल्यूशन में इन्होंने ये मार्क नहीं किया है, हो सकता है दूसरे के हार्डवेयर सोल्यूशन में मार्क किया हमारा लेंस सही था ऑब्वियस रीजन आ बैटरी हमें हां हमारा लेंस ओके थ्री में भी लगे सर्चिंग में थोड़ा सा इमेज क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हाल में क्लिक कर लो। हाँ जी कुछ इन्फॉर्मेशन नोकिया 3 में भी लगी है, और नोकिया 3 तो ये है हाँ नोकिया 3.5, 3.1 इन सब में ये क्या है तो देख लो इसके इसमें किसी का भी डायग्राम ओपन कर आसान समझ में आ रहा है बैठे बैठे तक अच्छा वीडियो आपकी जगह तो फिर हमारा फोन आ नहीं होता तो क्या जाए नहीं सर सही है। और इसके देखो आईडी का काम बहुत सारे है बहुत सारे, और आप बोर्ड में भी ये चार्ज शो नहीं करता, और थर्मल का लाइन अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये हमें थर्मल से रिलेटेड कोई भी एरर शो कर दे। अभी जो हमारा एरर शो रहा है वो थर्मल का है या आईडी का है? थर्मल का सही है। आईडी का एरर इस तरह नहीं होता, आईडी का एरर इस तरह होगा निशान आगे वापस सही है, लोगों में रिस्टार्ट और स्टोरेज नहीं करेगा बहुत सारे। आप बोर्ड में इनका कहना है कि स्टोरेज कर रहा है तो मतलब हमारा आईडी लाइन क्या है ओके, और हमारे जीआर क्या कह रहे हैं ये सब सब दे रहे हैं और ये क्या रहा कि कौन सा आईडी और कौन सा ऊपर वाला हमारा क्या है और नीचे वाला, तो इसमें भी लाइन कनेक्ट नहीं है और एरर क्या दे रहे हैं। तो इतना जो है ना इनके जब आपका जो है ना एक बात पे बेसिक से आपको बताना हो कि ये इस लाइन का काम क्या है, इस लाइन का काम क्या, इसमें कितना जीआर इसमें कितना, इसको मिसाल तौर आपकी जो है ना ये हाथ के कटने से क्या मसला आ सकता है, अगर हाथ का काम करना छोड़ ले आंख काम करना छोड़ ले तो क्या मसला आ सकता है, डॉक्टर को तो ये मालूम होना चाहिए, अगर कान खराब हो जाए तो क्या मसला हो सकता है, नाक खराब हो जाए तो क्या मसला हो सकता है, इस तरह मोबाइल में भी कौन सी लाइन से हमारा कौन सा मसला हो सकता है। अभी हमारा नॉलेज क्या कहता है कि हमारा कौन सा लाइन है थर्मल और ऊपर वाला कौन सा है आईडी, और इनके पास कमेडिस नहीं है तो थोड़े से अगर कमेडिस है तो उस हिसाब से ये लिखिए लिखिए, लेकिन हमारा थ्योरी कभी भी गलत सही है। तो अभी ये हमने लगाने हैं अंदर स्टेप से एक जंपर इसके उठा के हमने यहाँ पे लगाना है और देखते हैं कि मसला क्या कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से लगाते हैं। समझ में आया दोबारा एक्सप्लेन कर लो सैंपल सा है ना, तो इसलिए हमने चार्जिंग सेक्शन को शुरू करने से पहले क्या कर लिया बैटरी टर्मिनल पढ़ लिया, अभी हो गया समझ के क्यों इसे 3 जंपर लिया और बहुत अच्छी से मार्क्सिंग किया वगैरह वगैरह टोटल सब कुछ बिल्कुल रेडी किया है। अच्छा इसका प्लस का जंपर तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, दूसरा भी निकल गया अच्छी बात है, देखते हैं। देखो इस साइड में तो कोई और लाइन हमें नहीं मिल रहा है जिससे हम जंपर उठा ले, तो ये जब भी आप स्ट्रिप को स्टडी करोगे ना तो आपको दूसरी साइड पे भी लाइन मिलेगी, जरूरी नहीं है कि इस साइड पे लाइन देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने वर्दियों को समझ के किया है तो इस साइड वाले लाइनों को ये देखो एक बड़ा सा लाइन है एक छोटा सा यहाँ भी थोड़ा सा देख रहे हो शोर्ड लाइटिंग थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बेस पे जंपरिंग करके आपको बताता हूँ। ये हम पीछे देख के इसकी लाइटिंग को क्या करो इधर से इधर करो ताकि हमें भी मसला ना हो, इनको भी मसला ना, जंपर वायर में पता हो चलो हो गया यहाँ से मैंने जंपर उतार रहा है और ये हमारा हो गया थर्मल वाला लाइट। तो समझ में आया मसला हमने किस तरह कंफर्म कर लिया
ये लाइन जो है ना ये होना चाहिए कनेक्ट। एक तो उनके पास जीआर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे जीआर आ रहा है, मतलब वो पता नहीं क्यों उनके पास जीआर नहीं आया, यहाँ पे नहीं लिखा, इससे लिख लिया है, ये अभी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो साफ साफ जीआर आ रहा है, उनको क्या जीआर लिखना चाहिए, या शायद लाइन की समझ ना के हो, क्या कर लिया हो, छोड़ लिया हो। देखो स्कमेटिक्स जो है ना वो कंपनी की तरफ से इनको दिया जाता है, उसमें गलतियाँ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है, लेकिन हार्डवेयर या फूड डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे गलतियाँ, तो इसलिए जो लोग सिर्फ हार्डवेयर पे चल रहे हैं वो क्या उनके काम अक्सर सक्सेस नहीं होता। अभी ये मैंने निकाल लिया जंपर, इस जंपर को हम लगाएंगे कहाँ पे, अच्छा जो टीपी हमने स्क्रेच की है यहाँ पे देख रहे हो, इसी पे लगाएंगे। थोड़ा सा अपना भी जहन लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके फोन हमारा क्या होता है रिपेयर होता है। बास कस्टमर आपको जो है ना पुराने फोन का भी काफी अच्छे पैसे दे सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि पैसे इसमें ज्यादा आएंगे कम आएंगे, उसको या तो उस फोन से लगाव होता है या कुछ ना कुछ या उसके अपने मजबूरी। अच्छा कैमरा ऑन कर लो, बीच डीसी भी कर लो। अब इन दोनों लाइन में मुझे देखना है कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन, क्योंकि दोनों निकल गए और हमने नहीं लगाया था, हमें मालूम ही नहीं सही। सोलर अच्छा इस्तेमाल करोगे गर्मी में खास तो। ये प्लस लाइन ये है और यहाँ पे डायोड लगा था जिसके साथ ये माइनस भी कनेक्ट करेंगे। अभी देखते हैं जो ये चारों हमने स्ट्रिप क्या कर लिया, वही लाइन अपने जगह पे, ये वाला स्ट्रिप एक जम्पर हमने क्या कर लिया इसमें लगा लिया, नीचे की साइड से हमने इसको निकाल के लगा लिया। देखते हैं क्या केस किया, इसमें चार्जर थोड़ा सा कम है इसलिए ऑन हो जाएगा लेकिन मसला। अब इसके साथ ये लगा लेते हैं, पहले एम्पेयर भी नहीं ले रहा था, अभी 0.9 एम्पेयर ले रहा है। एम्पेयर किसी ने नोट किया था पहले? हाँ जी, एम्पेयर पे हमने ध्यान नहीं है क्योंकि एरर इस तरह अजीब एरर था कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बारह वीडियो को फिर शुरू में देखेंगे, वीडियो तो बनी है इसमें देखेंगे कि एम्पेयर ले रहा था कि बोलने लगे। अभी इसकी चार्ज बिल्कुल कम है तो ये हो गया बंद, बैटरी बिल्कुल जीरो है और ये थर्मल आ गया तो अभी अपने असली हालत में ये सेंसिंग स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा इसको लगा रहने दें, ऑफ बोर्ड में तो इसको कोई मसला नहीं था, सारे मसले ऑन बोर्ड में ही थे, 0% है, थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ी सी इसमें जान आ जाए। 0.9 ले रहे हैं, सही है इस फोन के लिए ये फास्ट है 0.9। हाँ और इससे आगे थोड़ी बैटरी बढ़ जाएगी तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। क्या अभी फायर का खतरा है कि सिग्नल सेक्शन में और भी वो ये चार्जिंग सेक्शन में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इंशाल्लाह। ये अभी जो सामने केस रखे हैं ये चार्जिंग बैटरी टर्मिनल पे 4 वोल्ट आ रहे हैं फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, अजीब कैसे है कि नहीं है, इसको भी इंशाल्लाह करेंगे, आपके हाथों से करेंगे। ये तो थोड़ा सा बैटरी टर्मिनल के सर्किट इस तरह था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके क्या कर लिया। अभी देखते हैं, अभी तक तो नहीं आया, निकाल के वापस लगा लेते हैं इसको, अभी तक तो कोई एरर नहीं है और कोड इसका कस्टमर के पास है, हमारे पास नहीं है नहीं, इसको निकाल के वापस लगाएंगे। देखो वापस से चार्ज होने लगा, अभी तक तो एरर नहीं है। जो नारे जाप के लिए वो बर्नियों से भी बर्नियों में डायग्राम में यहाँ सवाल है हो सकता है, लेकिन
हाँ जी अभी लग रहा है, अभी निकाल कर लगा दिया, ये कह रहे हैं स्लिम मोड में रख के लगा है। चलो स्लिम मोड में रखिए, स्लिम मोड में लगाओ, जिस पे लगाओ चाहे। थर्मल ने अपना काम क्या कर लिया, सामने रख लो, मैं थोड़ा सा इनको समझाता हूँ। आईडी लाइन अगर हमारा होता ही है तो इससे जो है ना आप मोड में भी ये स्टोरेज नहीं करता बैटरी, इसका मतलब ये है, इनका कहना है कि आप मोड में चार्ज ले रहा था तो आईडी लाइन हमारा ओके स्टोरेज कर रहा था, और आईडी लाइन से ये वाला एरर हमारा कभी भी नहीं आ सकता। ये जब भी आएगा थर्मल लाइन का, थर्मल लाइन का आपको बताया कि क्योंकि ये पीसीबी की सेफ्टी के लिए लगा होता है, पीसीबी अगर हेड अप होगा तो इसकी वैल्यू कम और डिस्प्ले पे एरर शो, अगर पीसीबी ठंडा हो जाएगा तो वैल्यू इसकी ऑफ होगी और उस हिसाब से एरर आएगा। तो अभी इसमें पीसीबी की सेफ्टी नहीं था इसलिए ये वार्निंग क्या कर रहा था दे रहा था, हमने सेफ्टी वाला लाइन लगा लिया और काम हो गया। तो समझ में आ गया सर, वैसे ही चार्ज हो रहा है अभी तक जो है ना, इसने कोई एरर शो नहीं किया, सही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट।